मेरा सहृदय नमस्कार। मैं छवि अनुपम शर्मा केंद्रीय विद्यालय शिव गंगा में प्राथमिक शिक्षिका के रूप में कार्यरत 21 सितंबर को संपूर्ण विश्व में मनाए जा रहे विश्व शांति दिवस के अवसर पर अपने कुछ विचार साझा करने जा रही हूँ। 1982 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था और तब से प्रति वर्ष 21 सितंबर को यह शांति दिवस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। आज जिस प्रकार से हम अपने चारों ओर देखते हैं कि अशांति ही अशांति है, मनुष्य समझते हैं कि पूजा पाठ करने से, कर्मकांड करने से, जप तप करने से शांति प्राप्त होती है, तो इसके लिए मंदिरों के तीर्थों के चक्कर लगाते रहते हैं। साधु संन्यासी समझते हैं कि उन्हें शांति कैसे मिलेगी, जंगलों में, पहाड़ों पर वो भटकते रहते हैं शांति की खोज में। तो कभी मनुष्य सोचते हैं कि हमें अधिक धन से शांति मिल सकती है, तो वो अधिक धन उपार्जन की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं। परंतु धन या धन से जुटाए गए साधनों से या फिर कोई भी जब तक कर्मकांड करने से, इस तरह की किसी भी गतिविधियों से हमें अल्पकालीन शांति, कुछ समय के लिए जो शांति है वो तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन हम चिरकालीन शांति की बात करें, स्थायी शांति की बात करें, तो वो शांति हमें इनमें से किसी से भी या कोई व्यक्ति भी हमें इस तरह सच्ची शांति प्रदान नहीं कर सकता है। एक तथ्य के अनुसार एक मनुष्य के नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में 25 थॉट्स पर मिनट उठते हैं, लेकिन समय अनुसार अभी ये जो थॉट्स की स्पीड है ये बढ़ती जा रही है, 30, 35, 40 थॉट्स पर मिनट ये स्पीड पहुंच गई है। इट मींस हम बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं और ये सोचने की स्पीड के कारण ही हमारी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, मन की शक्तियाँ, वो नष्ट हो रही हैं। हमारा मन कमज़ोर होता जा रहा है और इस मन के कमज़ोर होने का परिणाम है कि वही हमारी अशांति का कारण है। कमज़ोर मन ही अशांति का कारण है और इस तरह की जो अशांति है वो देखने में आती है कि दिन ब दिन डिप्रेशन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सुसाइड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स होने के बावजूद भी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उनमें इलाज की सुविधाएं होने के बावजूद भी मन की, चाहे तन की बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। हम देखते हैं कि जो थॉट्स की जो, क्योंकि ये जो स्पीड जो थॉट्स की होती है, जब स्पीड से थॉट्स चलते हैं तो उनमें नेगेटिव थॉट्स की संख्या ज़्यादा होती है, और क्योंकि नेगेटिव थॉट्स की वजह से एनर्जी बहुत तेज़ी से डिप्लीट होती है, इसीलिए हम अशांति फील करते हैं। दूसरी तरफ देखें तो जब हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स होते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स की स्पीड बहुत धीमी होती है, उसी से वो हमारे मन में एनर्जी का संचार करती है और उससे क्या होता है कि हमें खुशी और शांति की अनुभूति होती है। आज मनुष्य सभी कुछ शांति प्राप्त करने के लिए ही करता है, फिर भी उसे वो शांति क्यों नहीं मिलती, इसका क्या कारण है? क्योंकि आज हम जिस युग में रह रहे हैं इसे कहते हैं कलयुग। कलयुग माना कलह कलेश का युग, कलयुग माना रावण का युग। तो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जिसके 10 शीश दिखाए गए हैं, लेकिन रावण एक सिंबॉलिक है जिसमें 5 स्त्री के सिर हैं और 5 पुरुष के सिर दिखाए गए हैं। इसका मतलब है कि सभी स्त्रियों में, सभी पुरुषों में, सारे संसार में आज जो मानसिक विकार हैं, मुख्य मानसिक विकार, वो सभी में मौजूद हैं। ये मुख्य जो विकार हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इसके अलावा भय, चिंता, आलस्य, इस तरह के ये मानसिक विकार जो मनुष्य को कुछ भी करने से, किसी भी तरह कोई भी उपाय करने से भी हमें स्थायी शांति नहीं प्राप्त होने देते। तो अगर हम कहते हैं हमें शांति चाहिए या फिर तो शांति सिर्फ शांति शांति बोलने से शांति नहीं आती, शांति कहीं बाहर भटकने से, ढूंढने से शांति नहीं मिलती, शांति तो हमारे अंदर ही है। शांति हमारा स्वधर्म है, हम सभी आत्माओं का जो मूल नेचर है, जो कह सकते हैं कि पीस इज़ माई नेचर,
पीस जो है वो मेरा ही एक नेचर है, स्वधर्म है, जिसका जो नेचर होता है वो उसमें ही रहना चाहता है। जैसे सूरज, सूरज का नेचर है कि वो रोशनी देना, गर्मी देना। पानी का नेचर है शीतलता प्रदान करना। इसी प्रकार हम आत्माओं का जो मूल नेचर है, स्वधर्म है, मूल गुण है, वो शांति है। आत्मा के सात गुण होते हैं और उनमें से एक गुण शांति है। यही कारण है कि सभी शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, मीन्स वो अपने ओरिजिनल नेचर में, ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहते हैं। आज संसार में चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, सभी आत्माएं हैं। हम वास्तव में आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं हैं। और हम उस एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं, जिसे सुप्रीम सोल कहा जाता है। उस परमात्मा को मनुष्य हर धर्म में, चाहे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड और भी बहुत नामों से पुकारते हैं, लेकिन ईश्वर एक है और इसलिए उसे परमात्मा, सुप्रीम बोला जाता है। मीन्स मनुष्य जो भी हैं वो सभी मनुष्य आत्माएं हैं और सुप्रीम सिर्फ एक है। उसको सुप्रीम कहने का अर्थ क्या कि वो सभी शक्तियों में, सभी गुणों में सर्वोच्च है। जो भी सात गुण हैं उनमें से एक गुण है शांति। तो भगवान को बोला जाता है गुणों का सागर। तो इट मीन्स भगवान ही है जो शांति का सागर है। परमात्मा खुद ही कहते हैं कि जब तक मैं नहीं आता, जब तक मेरे सिवाय तुम्हें कोई सच्ची शांति दे ही नहीं सकता है। कुछ भी करने से हमें वो परमात्मा शांति का अनुभव नहीं हो सकता। तो परमात्मा से हमें किस तरह से वो शांति प्राप्त हो सकती है? सुख, शांति, प्रेम, कुछ भी हमें वो कैसे मिल सकता है? उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक योग की आवश्यकता है। आध्यात्मिक ज्ञान और योग के निरंतर प्रयास से ही हम इस शांति, सुख, प्रेम, आनंद को अनुभव कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और योग हमें सेल्फ को रियलाइज़ करने में मदद करता है और इसके निरंतर अभ्यास से हमारे मन, वाणी, कर्म में शुद्धता, पवित्रता आती है। और कहा भी जाता है जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सुख शांति होती है। तो अभी आप जान गए होंगे कि अशांति का कारण मानसिक विकार है। तो अभी आप जान गए होंगे कि अशांति का कारण जो हमारे अंदर छुपे हुए मानसिक विकार हैं। जिस तरह हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं और हम अपने आप को बीमार समझते हैं उस टाइम। लेकिन ये मानसिक विकार सभी में हैं लेकिन फिर भी कोई अपने आप को बीमार नहीं समझता, क्योंकि ये छुपी हुई मानसिक बीमारियां हैं। परंतु इनका भी अगर हमें स्थायी शांति, सुख अनुभव करना है तो हमें इनका भी इलाज करने की आवश्यकता है। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जिस तरह से हम अपने डेली के कार्य रूटीन से करते हैं, उसी प्रकार से हमें स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सब को
को सम्मति दे भगवान। जय बोलो सब धर्मों की, जय बोलो सत्कर्मों की, जय बोलो मानवता की, जय बोलो सब जनता की, जय बोलो मानवता की, जय बोलो सब जनता की। पिछड़ी कोई न जाती हो, सबसे सबकी प्रीति हो, देश धर्म से नीति हो, हम सबके ही साथी हो, देश धर्म से नीति हो, हम सबके ही साथी हो, हम सब कष्ट उठाएंगे, सब मिलकर सुख पाएंगे, हम सब कष्ट उठाएंगे, सब मिलकर सुख पाएंगे, सब मिल प्रभु गुण गाएंगे, सबका जस फैलाएंगे, जय बोलो सत धर्मों की, जय बोलो सत परमों की, जय बोलो मानवता की, जय बोलो सब जनता की। My name is Mukesh Khanan. I am studying class 5th. We are celebrating the International Peace Day in September 21, 2020. I am going to tell a slogan on International Peace Day. Peace is my religion. All we need is love. Thank you. हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रंग भूमि यह विश्व भरा, सब केल में मेलु में तू ही तू है, सब केल में मेलु में तू ही तू है, सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके, सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, चीटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, चीटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, यह दिव्य दिकाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दिका, यह दिव्य दिकाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया,
तुकड़िया कह और न कोई दिका, बस मैं और तू सब एक ही है। तुकड़िया कह और न कोई दिका, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे रंग भूमि यह विश्व भरा, सब केल में मेल में तू ही तू है। बोलो सत धर्मों की जय, बोलो सत कर्मों की जय, बोलो मानवता की जय, बोलो सब जनता की जय, बोलो छत धर्मों की जय, बोलो सत कर्मों की जय, बोलो मानवता की जय, बोलो सब जनता की। पिछड़ी कोई न जाती हो, सबसे सबकी प्रीति हो। पिछड़ी कोई न जाती हो, सबसे सबकी प्रीति हो। देश धर्म से नीति हो, हम सबके ही साथी हो। देश धर्म से नीति हो, हम सबके ही साथी हो। जय बोलो सत धर्मों की, जय बोलो सत कर्मों की, जय बोलो मानवता की, जय बोलो सब जनता की। हम सब कष्ट उठाएंगे, सब मिलकर सुख पाएंगे। हम सब कष्ट उठाएंगे, सब मिलकर सुख पाएंगे। सब मिल प्रभु गुण गाएंगे, सबका जश्न फैलाएंगे। सब मिल प्रभु गुण गाएंगे, सबका जश्न फैलाएंगे। जय बोलो सत धर्मों की, जय बोलो सत कर्मों की, जय बोलो मानवता की, जय बोलो सब जनता की, जय बोलो सब जनता की। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु शाशा परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मेरा नाम मेफर्ड आ मेफर्ड कक्षा 8वीं ब में पढ़ रहा है। मेरा पाठ रघुपति राघव राजा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बजु प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, बजु प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको संभली के भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको संभली के भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। धन्यवाद। एवरीवन, आई एम आर के साई कृष्णा फ्रॉम 6th A, गोइंग टू प्ले कीबोर्ड सॉन्ग फॉर IDP।
2020. Thank you.
मैं प्रवीण कुमार केंद्रीय विद्यालय शिवगंगई से प्राथमिक शिक्षक व कब मास्टर आपके समक्ष सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो लीजिए पेश है यह वंदना। या कुंदेदु तुषार हार धवला या सुव्रवस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति भी देवे सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दीपा कुमारी, प्राथमिक अध्यापिका के वी शेरगंज। आज भारत स्काउट एंड गाइड ऑफ फेथ प्रेयर्स से मैं आपके लिए शांति पाठ लेती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि मा पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्। ॐ शांति शांति शांति। It gives me an immense pleasure for being one of the family members of Scouts and Guides of Kendra Vidyalaya Sivaganga, extending thanks to Kendra Vidyalaya Sangathan for having given us wonderful opportunity to observe the International Day of Peace on this day. Again, I extend my sincere thanks to our principal for having given me a chance along with my all Scout and Guide family members to prepare excellent program related to the virtual celebration of International Day of Peace, though there is a pandemic situation. Last but not least, I extend my sincere thanks to my beloved Scouts, Guides and all teaching faculty, class teachers of all the classes, having given support to motivate our Scout and Guides to prepare all the program for the successful execution of this same program in a grand success. Thank you once again to all of you.